नया दौर दिलीप कुमार के करियर की एक लैंडमार्क फिल्म थी। इस फिल्म में उनके काम की वजह से उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था चौथी बार। लेकिन नया दौर एक ऐसी फिल्म भी थी जो दिलीप कुमार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने इनिशियली बीआर चोपड़ा को मना कर दिया था, क्यों ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरा नाम है राहुल एंड दिस इज 70mm विद राहुल। नया दौर 1957 में रिलीज हुई थी। आजादी के बाद 1950s में हिंदुस्तान में क्या हो रहा था ये बात इस फिल्म में बहुत अच्छी तरह दिखाई गई है। नया नया इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, मशीनें आ रही थी और आदमियों को या मैनुअल लेबर को कम किया जा रहा था। नया दौर में दिलीप कुमार एक टांगा चलाते हैं और उनके गांव में टांगे को हटाकर बस सर्विस शुरू करने का प्लान बन जाता है। इस बात से दिलीप कुमार और उन जैसे कई लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ता है और दिलीप कुमार ये फैसला करते हैं कि इस सिचुएशन से मैं लड़ूंगा। उसके बाद क्या होता है ये है कहानी नया दौर की। बी आर चोपड़ा ने जब दिलीप कुमार को पहली बार इस कहानी का नरेशन दिया तो दिलीप साहब कन्विंस्ड नहीं थे। दिलीप साहब को प्रॉब्लम थी इस फिल्म को साइन करने में। पहली प्रॉब्लम यह थी कि कहानी का जो एंड था वो दिलीप कुमार को जच नहीं रहा था। ये वही एंड है जो फाइनली फिल्म में दिखाया गया, लेकिन उस वक्त दिलीप साहब इस एंड से संतुष्ट नहीं थे। नया दौर को साइन करने में दिलीप साहब को दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि एक सिमिलर स्क्रिप्ट पर डायरेक्टर ज्ञान मुखर्जी भी काम कर रहे थे, जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन को दिखाया गया था, हिंदुस्तान का बदलता चेहरा दिखाया था और दिलीप कुमार एक किस्म की ही दो फिल्में नहीं करना चाहते थे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डायरेक्टर ज्ञान मुखर्जी कौन थे, ये साहब वही हैं जिन्होंने कुछ साल पहले एक सुपर डुपर हिट फिल्म बनाई थी कॉल्ड किस्मत विथ अशोक कुमार, जो हिंदुस्तान की पहली ऐसी फिल्म थी जिसने 1 करोड़ रुपए कमाए थे। सो ज्ञान मुखर्जी ऑलरेडी एक नया दौर जैसी फिल्म प्लान कर चुके थे जिसके लिए ऑलरेडी वो दिलीप कुमार से बात कर चुके थे। इसलिए दिलीप साहब ने बी आर चोपड़ा को कहा कि मैं आपकी फिल्म नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर बी आर चोपड़ा बहुत ही डिसअपॉइंट हो गए। उन्होंने अपनी बात शेयर की डायरेक्टर महबूब खान से, जो उस वक्त मदर इंडिया बना रहे थे। महबूब खान ने जब नया दौर की कहानी सुनी तो बी आर चोपड़ा से ये कहा कि ये फिल्म तो डॉक्यूमेंट्री जैसी सुनाई पड़ रही है, इसमें कहीं एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है। महबूब खान साहब ने बी आर चोपड़ा से कहा कि अगर मेरी मानो तो इस कहानी पे फिल्म मत बनाओ। अब आप इमेजिन करिए कि उस वक्त बी आर चोपड़ा साहब की क्या हालत हुई होगी। एक तो उस जमाने के सबसे बड़े स्टार दिलीप कुमार ने उनकी फिल्म करने से मना कर दिया और दूसरा उनके दोस्त महबूब खान ने उनके फिल्म की कहानी पर ही सवाल उठा दिए। लेकिन यार किस्मत भी कोई चीज होती है। ज्ञान मुखर्जी के साथ दिलीप कुमार की जो फिल्म बनने वाली थी वो नहीं बनी। जब बी आर चोपड़ा साहब को ये पता चला तो उन्होंने दिलीप कुमार को वापस अप्रोच किया, जो नया दौर करने के लिए राजी हो गए। नया दौर बनी और वो रिलीज होने के बाद सुपरहिट भी हो गई। जब नया दौर की रिलीज के 100 दिन पूरे हो गए तो बी आर चोपड़ा ने बंबई के एक मशहूर थिएटर में एक फंक्शन रखा जिसमें चीफ गेस्ट बुलाया डायरेक्टर महबूब खान को। महबूब खान साहब आए और ये बोला कि मैं गलत था, बी आर चोपड़ा साहब सही थे इस फिल्म की कहानी को लेकर। और उसके बाद महबूब खान साहब ने बताया कि किस तरह उन्होंने बी आर चोपड़ा को डिस्करेज किया था इस कहानी पर फिल्म बनाने के लिए। एक और कोइंसिडेंस और जबरदस्त इत्तेफाक है कि जिस साल नया दौर रिलीज हुई उसी साल महबूब खान साहब की मदर इंडिया भी रिलीज हुई, 1957। उस साल मदर इंडिया सबसे बड़ी हिट साबित हुई, बॉक्स ऑफिस पर उसने 8 करोड़ रुपए कमाए। नया दौर दूसरे नंबर पे आई, उसने बॉक्स ऑफिस पर 5.5 करोड़ रुपए कमाए। जब नया दौर बन रही थी तो बी आर चोपड़ा साहब ने एक बहुत ही मशहूर कोर्ट केस भी किया था एक्ट्रेस मधुबाला पर, उस पर हमने एक वीडियो बनाया जिसे आप यहां देख सकते हैं। इस कोर्ट केस में सारा मसाला था जो एक बॉलीवुड फिल्म में होता है। इस वीडियो को देखना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। टाटा।